नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज मैं आपको चैनल मैसेज देने जा रही हूँ डिवाइन फेमिनिन के लिए। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी कुछ ऐसी रह सकती है अभी करंट में भी और अगले एक दिन में या अगले दो दिन तक ऐसी रह सकती है कि डिवाइन फेमिनिन को डिवाइन मैस्कुलिन से कुछ बहस हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं। किस चीज़ के लिए हो सकता है, थोड़ा डिवाइन फेमिनिन एटीट्यूड में रह सकती हैं, डिवाइन मैस्कुलिन को थोड़ा उनकी औकात दिखा सकती हैं, ठीक है। और इस तरह की एनर्जी में डिवाइन फेमिनिन रह सकती हैं, क्योंकि जो डीएम हैं वो थर्ड पार्टी की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। वो क्यों भाग रहे हैं, वो आपको चोट पहुँचाने के लिए कि आपको चोट पहुँचेगी। और डिवाइन फेमिनिन इस जंगे पर आ चुकी हैं कि उनको फ़र्क तक नहीं पड़ता है कि थर्ड पार्टी कौन है, क्यों है और किस लिए है। क्योंकि जब उन्होंने अपनी एनर्जी को जब पूरी तरीके से बैलेंस कर लिया है, अपने दिल और दिमाग पे उन्होंने काम जो किया है, मैं यहाँ पे उन डिवाइन फेमिनिन की बात कर रही हूँ जो वाकई में बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहती हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। हो सकता है कि सभी के साथ ये मैच ना करे, लेकिन अगर आप डिवाइन फेमिनिन हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है, और आपके डीएम भाग रहे हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आपको उनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, सेपरेशन के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। इसको निकालने के लिए आपको हीलिंग करनी होगी अपनी, क्योंकि जब चोट पहुँचती है ना तो हम परेशान हो जाते हैं। इसकी बाद में थोड़ी बाद में करूँगी अगली वीडियो में, लेकिन अभी मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। एनर्जी ऐसी रह सकती है डिवाइन फेमिनिन की, और अगले दिन या कल का दिन आपके डीएम आपसे थोड़ा दूर रहेंगे। तो हो सकता है कहीं ट्रैवलिंग करके वो बाहर जाएं, ठीक है, वो बाहर जाएं किसी ऐसी जगह पर जहाँ ठंडी जगह हो, घूमने का दिल है उनका, उनको किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है, या स्पिरिचुअल पाथ पे वो जा रहे हैं, थोड़ा यात्रा पे जा रहे हैं। इस तरह से कुछ डिवाइन फेमिनिन जो है अपने डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से उनको देखने को मिलेगा। और वो दो दिन जब दूर रहेंगे आपसे और भगवान के साथ वो एक रहेंगे, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको याद करेंगे, आपको मिस करेंगे, और वो आपके साथ बहुत गहरे प्यार में इस टाइम है। और उन पे जो उनका जो प्यार है, उनके सिर पे इतना सवार है इस टाइम आपका प्यार, कि वो थर्ड पार्टी के पास बार बार आपको दिखाने की वजह से उनकी तरफ दौड़ रहे हैं। आपको थोड़ा पॉजिटिव लेनी है ये एनर्जी, ठीक है, नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर डीएम कहीं जा भी रहे हैं तो नेगेटिव नहीं सोचना है। आप थोड़ा दिखावा उनसे ज़रूर ऐसा करेंगे कि आपको थर्ड पार्टी से चोट पहुँच रही है, नहीं, आपको ये भी नहीं करना है। आपको सिर्फ पॉजिटिव रह के अपने ऊपर काम जो आपने किया हुआ है उसकी तरफ ध्यान देना है। आपको किसी अड़ोसी से कुछ नहीं चाहिए, पड़ोसी से कुछ नहीं चाहिए, है ना आपकी ऐसी एनर्जी, ठीक है। आपको फ़र्क तक नहीं पड़ता है कि पड़ोसी क्या कहेगा, अड़ोसन क्या कहेगी। आपको सिर्फ़ अपने भगवान से मतलब है कि मैं अपने भगवान का हाथ पकड़ लूँगी तो ये इंसान मेरे लिए कोई कुछ नहीं लगते, क्योंकि मुझे सब उसने दिया है और वही मुझे देगा। ये एनर्जी मुझे डिवाइन फेमिनिन की दो दिन की आती हुई नज़र आ रही है। आपके डीएम आपके बगैर बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, बहुत ज़्यादा बेताब आपसे मिलने के लिए रहेंगे वो, ठीक है। अगर आप ऐसा करती हैं तब ऐसा होगा जो मैंने बताया है। पॉजिटिव रहना है, ज़्यादा भाव नहीं देने हैं, ठीक है। जब वो बोलते हैं आपसे तो बोलिए उनके साथ, ठीक है, कैसे हो आप, आपको अच्छा बोलना है, पॉजिटिव रहना है। उनकी तरफ आपको ज़्यादा आकर्षित नहीं होना है। इतना आप थोड़ा सा करेंगे तो आपको पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलेगी डीएम की तरफ से। फ़िलहाल वो दो दिन आपसे अलग रहेंगे, ये सिर्फ दो दिन के लिए ही होगा, उसके बाद डीएम आपके पास आ जाएंगे। आपसे अच्छी बातें होंगी, फ़ोन पे भी बात हो सकती है, वीडियो कॉल पे भी बात हो सकती है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, बात नहीं हो रही, अगर मैं उनकी बात करूं तो थोड़ा समय लगेगा। आपको अपने ऊपर काम करो, थोड़ा आपको ना हीलिंग की ज़रूरत है मेरे हिसाब से, तब आपके ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। हीलिंग कीजिए, आप खुद कीजिए और नेचर के साथ जुड़िए।
अपने ऊपर काम कीजिए, आपके DM आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इतना ही बता सकती हूँ ना। अगर आप मेरे पास पर्सनल आते हैं तब मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँगी। ठीक है, तो मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।